गुरुग्राम के रहने वाले हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि आज कुछ ऐसी तस्वीरें आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं कि आप घर में मौजूद होंगे और आपकी आंखों के सामने चोर आपका कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो जाएगा। आप चोर को पहचान तक नहीं पाएंगे और ऐसे आम आदमी के भेष में आपके घर में चोर घुसेगा और आपका कीमती सामान गायब हो जाएगा। आज आपको इस खबर में दिखाएंगे कि कैसे दिन दहाड़े एक चोर ने एक गली में एंटर किया और फिर उसके बाद कई मकानों में कई कमरों में ताका झाकी करने के बाद लैपटॉप और कैश लेकर बड़ी आसानी से फरार हो गया। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। आप भी गुरुग्राम में रहते हैं, अपने घर में मौजूद होते हैं, अपने घर का अपने कमरे का दरवाजा खुला रखते हैं तो जरा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि सुबह सुबह जब आप अपने दफ्तर जाने के लिए अपने किसी काम से जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे तो एक शख्स या कोई चोर आपके घर में घुसेगा, आपका कीमती सामान उठाएगा और बड़ी आसानी से रफू चक्कर भी हो जाएगा। आपको इसकी कानो कान भनक तक नहीं होगी। दरअसल ऐसी एक हैरान कर देने वाली घटना और कुछ तस्वीरें सामने आई है गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके से, जहां बादशाहपुर में एक किराए के मकान में घुसे एक चोर ने कीमती लैपटॉप और 10,000 रुपए, इसके अलावा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब चोरी करके वो बड़ी आसानी से फरार भी हो गया। हालांकि चोर को लगा कि उसकी ये करतूत किसी ने नहीं देखी, लेकिन तीसरी आंख से वो अपनी इस कारिस्तानी को छिपा ना सका। ये तस्वीरें ही हम आप लोगों को जो दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं गुरुग्राम न्यूज पर, और इस चोर की एक एक हरकत आप देखेंगे तो वाकई हैरान रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के चोर इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं, उनको अपने आप पर इतना विश्वास है कि वो दिन दहाड़े किसी भी मकान में घुस जाएंगे, कितनी देर तक वो रेकी करेंगे लेकिन कोई उनको पकड़ तक नहीं पाएगा। और शायद इसी कॉन्फिडेंस का फायदा उठाकर चोर आए दिन गुरुग्राम में इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ये तस्वीरें 23 सितंबर यानी कि शनिवार सुबह तकरीबन 9 बजे की है, जब बादशाहपुर में सोहना रोड पर एक गली में ये चोर घुसा। इसने टी शर्ट पहनी हुई है, पैंट पहनी हुई है और साथ में चप्पल पहनी हुई है। बड़ी आसानी से इस गली में चहलकदमी करते हुए ये चोर एक छोर से दूसरे छोर तक गया। हालांकि इस दौरान वो आसपास के जितने मकान हैं उनके दरवाजों पर नजर डालता हुआ गया और ये देखता हुआ गया कि किस मकान का दरवाजा खुला है और किस मकान को उसे अपना निशाना बनाना है। दरअसल ये इनका रेकी करने का तरीका है। हालांकि जिस समय ये चोर इस गली में घूम रहा है उस दौरान यहां पर बहुत से लोग मौजूद हैं, बहुत से लोग अपने दफ्तर जाने के लिए सुबह सुबह अपने मकानों से निकल रहे हैं, लेकिन इस चोर को इस बात का जरा सा खौफ नहीं है कि उसकी इस काली करतूत को कोई पकड़ भी सकता है और वो गिरफ्त में आ सकता है। वो इतने से भी नहीं घबराया, पहले उसने गली में 3-4 चक्कर लगाए, उसने रेकी की सारे मकानों की, एक एक मकानों में घुसने की कोशिशें की, लेकिन जब उसे दिखता कि सामने कोई आ रहा है और उस पर शक हो जाएगा, इसीलिए वो आम आदमी की तरह एक नॉर्मल तरीके से चलता हुआ चला गया। और उसके बाद जैसे ही दूसरे शख्स की नजर उसके चोर के ऊपर से हटी वो तुरंत वापस मुड़ता और फिर अपने काम पर लग जाता। 2-3 चक्कर काटने के बाद इस गली में ये चोर आखिरकार एक मकान में घुस ही गया, वहां पर बड़ी आसानी से ये घुसा है। देखिए पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज है, दरवाजे से ऐसे आराम से आ रहा है जैसे ये इसी मकान में रहता हो या इसी का मकान हो। उसके बाद ये सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर गया, वहां पर इसने एक चक्कर काटा और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर जाकर इसने जितने भी कमरे बने हुए हैं उनके दरवाजों को हल्के से खोलने की कोशिश की कि क्या कोई दरवाजा खुला हुआ है उसमें ये चोरी कर सके। इतने में जब उसकी बात नहीं बनी तो ये सेकंड फ्लोर पर गया, सेकंड फ्लोर पर जाकर इसने सभी दरवाजों को चेक किया, अंत में रूम नंबर 14 का एक दरवाजा खुला हुआ मिला। इसने अंदर झांक कर भी देखा लेकिन उस समय इसका मौका नहीं लगा। उसके बाद ये उस रूम से बाहर निकला, फिर दोबारा कॉरिडोर में घूमने लगा, थर्ड फ्लोर पर गया और कुछ सेकंडों के बाद ही वो नीचे उतरा है और वापस जिस रूम में उसने घुसने की कोशिश की, रूम नंबर 14 में, वहां पर ये दोबारा गया। सबसे पहले इसने बाहर अपनी चप्पलें निकाली ताकि इसके कदमों की आहट से भी इसको पकड़ा ना जा सके। उसके बाद ये रूम में गया और अंदर रखा लैपटॉप का बैग जिसमें 10,000 रुपए, डेबिट क्रेडिट कार्ड और लैपटॉप मौजूद था, उसको ये अपने कांधे पर टांगता हुआ यहां से बड़ी आराम से निकलने लगता है। इतने में ही इसी कॉरिडोर में सामने से एक शख्स और आपको आता हुआ नजर आएगा। इसने उस शख्स को हल्की सी भनक नहीं होने दी कि वो दरअसल चोर है और उसके साथ साथ वो सीढ़ियों से नीचे उतरा है और उसके बाद ये बड़ी आसानी से जिस आरामदायक स्थिति में ये इस मकान में घुसा है उसी आरामदायक स्थिति में इस मकान से बाहर भी निकल गया। इस चोर का कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि इसने जरा सी भी हड़बड़ी नहीं की
और ये बड़े ही आराम से, बड़े ही इत्मीनान से इस मकान से बाहर निकला और उसके बाद गली में टहलता हुआ आसानी से फरार हो गया। हालांकि इसकी ये पूरी करतूत इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, लेकिन बावजूद इसके इसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। जब मकान में रहने वाले, इस रूम नंबर 14 में रहने वाले शख्स को पता लगा कि उसका बैग गायब है, तो उसने बाहर खोजबीन शुरू की। उसे लगा कि पड़ोसी ने शायद उसके साथ कोई मजाक किया हो, इसीलिए उसने आसपास खोजने की कोशिश की, लेकिन तब तक तो ये चोर यहां से रफू चक्कर हो गया। हालांकि जब उसने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की तो उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि जिस समय ये चोर उसके रूम में घुसा उस समय ये शख्स अपने ऑफिस जाने के लिए तैयारी कर रहा था और उसी दौरान उसने अपना लैपटॉप, पैसे और डेबिट क्रेडिट कार्ड अपने बैग में डालकर वॉशरूम केवल वो गया कुछ सेकंडों के लिए, और उन्हीं कुछ सेकंडों में इस चोर ने इस कीमती सामान पर अपना हाथ साफ कर दिया। इस पूरी घटना की जानकारी गुरुग्राम पुलिस को दी गई, जिसके बाद बादशाहपुर पुलिस थाने से टीम मौके पर आई। उन्होंने सारी सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ली है और आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें उन लोगों के लिए खासकर सबक है जो सुबह सुबह ऑफिस जाने की जल्दबाजी में अपने घरों का दरवाजा खुला रखते हैं और अपना काम करते रहते हैं, कीमती सामान उनका बेड पर रखा रहता है या टेबल पर रखा रहता है, ऐसे में वो चोर ताक में रहते हैं कि आपके घर में कब घुसेंगे और कब आपका कीमती सामान लेकर फरार हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। इस गली में इस तरह की चोरी की वारदात की ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि पिछले 3 सालों में इसी गली में इस तरह की 8 वारदातें हो चुकी हैं। पिछले महीने ही 2 चोरों ने ऐसे ही दिन दहाड़े इसी गली के एक मकान में घुसकर लगभग 2 लाख रुपए कैश पर हाथ साफ कर दिया। बावजूद इसके इस गली में लगातार इस तरह की चोरी की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं। इस खबर को, इन तस्वीरों को दिखाने का हमारा केवल मकसद इतना है ताकि आप लोग सावधान हो सके कि आप भी अपने घरों में भी चौकन्ने होकर रहिए। सड़कों पर तो चेन स्नैचर हो या मोबाइल स्नैचर हो, वो उससे का तो शिकार आप बन ही सकते हैं, लेकिन आप घर में मौजूद होते हुए भी इस तरह की चोरी का शिकार आपको बनाया जा सकता है। इसीलिए ये खबर दिखाने का हमारा मकसद केवल इतना है ताकि हम आपको सावधान कर सके और आप अपने कीमती सामान को बचा सके। हमारी आपसे अपील है कि आप इस चोर के चाल ढाल से, इसके पहनावे से अगर इसको पहचानते हो तो आप गुरुग्राम पुलिस को जरूर इसकी सूचना दें। हो सकता है आने वाले समय में इस चोर का कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाए कि ये और भी चोरियों को लगातार अंजाम देता रहे। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।